और इस समय की बड़ी खबर बता दें आपको, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन हो गया है। चिराग पासवान ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। लंबे समय से बीमार चल रहे थे रामविलास पासवान। चिराग पासवान जो उनके बेटे हैं, उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान राजनीति में सक्रिय थे लंबे समय से। लोक जनशक्ति पार्टी के पहले अध्यक्ष और उसके बाद उन्होंने बागडोर चिराग पासवान को सौंपी थी। ललित नारायण कांडपाल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर। ललित, ये बड़ी क्षति भारतीय राजनीति के लिए। जी पूजा, आपने सही, बेहद दुख की बात है कि केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन हो गया है। वो पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे और अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन उसके बाद वो अस्पताल से घर भी आ गए थे एक वक्त में। लेकिन इस तरह से अभी खुद उनके बेटे चिराग पासवान ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि पिताजी, उन्होंने ट्वीट में क्या लिखा है ये मैं पढ़ के सुनाता हूँ पूजा, कि पापा अब आप इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मुझे पता है आप जहाँ भी हैं मेरे साथ हैं, मिस यू पापा। और उन्होंने ये ट्वीट करते हुए अपनी बचपन की एक तस्वीर साझा की है, जिसमें रामविलास पासवान मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं अपने बेटे को गोद में लिए हुए। जी पूजा, पिछले लंबे समय से जब वो बीमार थे और दिल्ली के अस्पताल में भर्ती थे ललित, तो चिराग पासवान भी उन्हीं के साथ थे और उस वक्त भी एक भावनात्मक ट्वीट किया था चिराग पासवान ने भी कि मैं इस समय, मेरे जो पिताजी हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं उनके साथ हूँ, उनकी सेवा कर रहा हूँ, इस समय भी उनके साथ नहीं रहा तो शायद भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। बिल्कुल आपने सही कहा कि आप देखिए कि चिराग पासवान ने पिछले लंबे समय से, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि बिहार की राजनीति में बहुत ही क्रूशियल टाइम है और जिस तरह से वहां पर चुनाव चल रहा है, एक तरफ कैंडिडेट्स का सिलेक्शन है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कैंडिडेट्स के सिलेक्शन के साथ साथ वहां पर लगातार जो जिस तरह की राजनीतिक गरमाई हुई है, और चिराग पासवान ने इसी समय में एक बहुत बड़ा फैसला भी लिया है कि उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी और एनडीए से जो है अलग होने का फैसला किया है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एक ऐसा वक्त है चिराग पासवान के लिए जब एक तरफ पिताजी बीमार है, दूसरी तरफ पार्टी में बड़ा ही सबसे अब तक का लोक जनशक्ति पार्टी के इतिहास का अगर देखा जाए तो 2005 में भी लोक जनशक्ति पार्टी अलग से चुनाव लड़ी थी, उस वक्त वो 29 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार अब खुद चिराग पासवान के हाथ में कमान थी और उन्होंने फैसला लिया, और एक तरफ पिताजी बीमार थे, दूसरी तरफ उन्होंने फैसला लिया, तो तीसरी तरफ उनके कैंडिडेट का सिलेक्शन, हम ट्वीट भी दिखा रहे हैं, उन्होंने पार्टी की अपनी बेहद बखूबी निभाई है और ट्वीट हम दिखा रहे हैं। जिस तरह से ये बहुत बड़ी हानि हुई है, निश्चित तौर पर सबकी ये कामना है कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दी। ये ट्वीट भी हम दिखा रहे हैं ललित चिराग पासवान का, और उन्होंने लिखा है कि पापा अब आप इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मुझे पता है आप जहां भी हैं हमेशा मेरे साथ हैं। ये बड़ा ही इस समय इमोशनल पल है, जाहिर सी बात है, किसी भी बेटे के लिए, और तस्वीर के माध्यम से उन्होंने अपनी यादों को साझा किया है। जो एक पिता और बेटे का रिश्ता होता है उसे अपनी जनता के साथ, बिहार के लोगों के साथ, देश के लोगों के साथ साझा किया चिराग पासवान ने। बिल्कुल, क्योंकि हम देख रहे हैं इस वक्त चिराग पासवान का जो करियर है, अगर पॉलिटिकल करियर को देखा जाए तो ये उनके लिए जो है एक तरह से सबसे बड़ी परीक्षा के तौर पर उभर कर सामने आया है ये समय, ऐसे तौर में जब एक तरह से उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया है। और अगर हम चिराग के से परे रामविलास पासवान के जीवन को देखें तो उनका जीवन भी बहुत बहुत ही प्रेरणादायक जीवन रहा है। हालांकि उनको लेकर एक बात ही कही जाती रही कि वो हमेशा ही सरकारों के साथ रहते हैं, लेकिन उनके अगर जीवन को देखा जाए तो एक छोटे से परिवार से निकलकर एक शख्स ने पहले जेपी आंदोलन के समय, आपातकाल के समय जब बिहार में संघर्ष चल रहा था, उस संघर्ष में जिस तरह से नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान के समय में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जिस तरह से आंदोलन को आगे बढ़ाया, वो अपने आप में उनकी क्षमता को दिखाता है कि कैसे एक आदमी छोटे से घर से निकलकर एक लंबी दूरी का जो लंबी दूरी जो तय करता है, उस शख्स के रूप में रामविलास पासवान सामने आए और उनका जीवन
हमेशा ही उनके समाज के लिए और पूरे देश के लिए एक तरह से प्रेरणा का सबब है। बिल्कुल, जो पिता होते हैं वो किसी भी बच्चे के लिए बरगद समान होते हैं और उसकी छांव में ही वो बच्चे पनपते हैं, आगे बढ़ते हैं। यह अपूर्णिक क्षति है चिराग पासवान के लिए। रामविलास पासवान के सफर के, सियासी सफर का अगर जिक्र किया जाए, जैसा कि आप भी बता रहे थे कि छोटे से शुरुआत की लेकिन बहुत ऊंची उड़ान भरी रामविलास पासवान ने, और सरकार चाहे किसी की भी रही हो ललित, लेकिन उसमें एक बड़े ओहदे, एक बड़े कद पर हमेशा रहे रामविलास पासवान। बिल्कुल आपने सही कहा कि रामविलास पासवान का अगर हम देखें तो जब यूपी की सरकार थी 2014 से लेकर 2019 तक, उस वक्त भी वो लोकसभा से सांसद थे, और उसके पहले अगर देखा जाए तो 1989 से लेकर 2014 तक तब भी वो सांसद थे। तो उनका जो लंबा समय रहा, यानी कि कार्यकाल मंत्री के रूप में कार्यकाल रहा, वो भी काफी लंबा रहा। और अगर देखा जाए कि उनके संघर्ष के जीवन से लेकर राजनीति के जीवन को, तो 5 जुलाई 1946 को उनका जन्म हुआ था खगड़िया जिले में, और इसके बाद उन्होंने अपनी रीना पासवान, उनकी पत्नी है, जिनसे उन्होंने विवाह किया था 1983 में। तो रामविलास पासवान का समूचा जीवन इमरजेंसी की यादों से लेकर, इमरजेंसी के संघर्ष से लेकर उसके बाद के आगे तक के समस्त राजनीति में उनका जीवन बेहद ही संघर्षपूर्ण रहा है, और उन्होंने ये साबित करके दिखाया है कि एक छोटे घर का लड़का भी जो है इस तरह की उसमें आगे बढ़ सकता है और आगे निकल सकता है। ललित, आपसे अपडेट लगातार लेते रहेंगे, फिलहाल के लिए शुक्रिया। बड़ी खबर, दिल्ली के अस्पताल में भर्ती थे रामविलास पासवान, घर भी आ गए थे लेकिन चूंकि बीमार चल रहे थे रामविलास पासवान का निधन हो गया।